आप इसको कुदरत का, नेचर का ट्रायल बोल सकते हैं। ये नेचर का ट्रायल है सर। आपको तकलीफ हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है। वो देखना चाहती है कि लायक है या नहीं। मैं फिर बताता हूं आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड, 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गए, आपको लग रहा है मजाक हो रहा है, ये खेल हो रहा है सर, ये खेल खेला जा रहा है आपकी पीठ के पीछे। और खेल कौन रहा है अब, तू क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया सिडनी में था, राजकुमार शर्मा, की सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका, विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को, तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं। और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापिस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। कौन इम्तिहान ले रहा है? ये आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है फिर। तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो टफ कर, और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है, ऐसा मान के चलना बस आप, ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अरुणा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करी, लेकिन कुछ महीने पहले क्या हो गया, ट्रेन से फेंक दिया गया। कौन खेल खेल रहा है जानते हैं? उसको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती थी कुदरत। कुदरत कह रही है मैं तुझको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती हूं, प्रूफ कर तू इस लायक है भैया, ये खेल खेला जा रहा है। रविंद्र जैन को अंधा बनाया गया, सूरदास को अंधा बनाया गया, आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? नहीं नहीं, शौहरत देने से पहले की इम्तिहान है, शोहरत दौलत देने से पहले का इम्तिहान है। तुम्हारे को 15 लोग मना कर रहे हैं और तुम घर जा रहे हो, तो कुदरत हंस रही है, कुदरत बोल रही है हमको पता था कि ये लौट जाएगा, हमने इतना खजाना रखा ही नहीं इसके लिए, इसके लिए तो हमने सिर्फ 2 सूट रखे थे, इसके लिए हमने 2 सूट रखे थे, जो इसने दिया हमने उतना इसको। तो किसी ने बोला सोनू शर्मा को इतना काय को देते रहे, तो वो जवाब देता है इसने बहुत कुछ दिया, हमने भी इसको बहुत कुछ दिया, इसने बहुत कुछ दिया, हमने इसको बहुत कुछ दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी, और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर।